Asus ZenFone Max Pro M2 के लिए फाइनली सेकंड फोटा अपडेट अवेलेबल हो चुका है। लगभग 134 MB का ये अपडेट है और अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला है तो प्लीज़ वेट कीजिए, ये बैच वाइज अपडेट मिल रहा है। फिर भी आप चेक कर सकते हैं, आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे सिस्टम में, और सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट में एक दो तीन बार चेक करना है। यहाँ पे आपको अपडेट का साइज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, उसके साथ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। उसके पहले, इंस्टॉल करने से पहले हम देख लेते हैं हमारा पुराना वाला वर्जन कौन सा है सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो बिट नंबर ये, और उसके साथ हमें यहाँ पे पुराना ही सिक्योरिटी पैच जो है नवंबर वो देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे गाइज हम कर लेते हैं अपडेट को इंस्टॉल और देखते हैं हमें न्यू कौन सा सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और एंड्रॉयड पाई का क्या स्टेटस है। तो ये 134 MB में एंड्रॉयड पाई तो नहीं हो सकता है, तो कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि हमें जनवरी में एंड्रॉयड पाई का अपडेट दे देंगे। तो शायद ये प्रिपरेशन अपडेट हो सकता है एंड्रॉयड पाई का Asus ZenFone Max Pro M2 के लिए। तो यहाँ पे ये स्टॉक रिकवरी में बूट हो चुका है, उसके साथ ही ये अपडेट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं Asus ZenFone Max Pro M2 पर बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो अपडेट इंस्टॉल यहाँ पे हो चुका है और फुल रिव्यू मैं 2-3 दिन के अंदर आपको दे दूंगा, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, सब कुछ और बग कौन कौन से फिक्स हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अपडेट इंस्टॉल होने के बाद देखते हैं हम सेटिंग में जाके कि हमें कौन से मंथ की सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें दिसंबर की सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ एंड्रॉयड ओरियो 8.1 ही है और न्यू बिल्ड नंबर भी हमें देखने को मिल जाता है। तो गाइज आप चेक कीजिए अपडेट, और आपको अपडेट मिला तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे आएगा वीडियो जल्दी Asus ZenFone Max Pro M2 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।